सो हेलो एवरीवन। तो ये है वेव, इसका वेटेज देख लेते हैं। वेव ऑन स्ट्रिंग का तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम एक बार 2020 में 2% टच किया था, दिस 2% है ना, और नहीं तो 1% के इधर उधर ही रहता है। सो 1 से 2% के बीच है, तो बहुत ज्यादा इसका कवरेज है नहीं। इनफैक्ट दो तीन चीजें यदि वो आ जाए तो वेव के मैक्सिमम सवाल मैनेज हो जाते हैं। थ्योरी हमने थोड़ी एक्सटेंसिव दे रखी है तो वो आप एक बार देख लीजिए थ्योरी। तो देखिए, वेव ऑन स्ट्रिंग या वेव के बारे में पहले बात कर रहे हैं, वेव ऑन स्ट्रिंग की बजाय यहाँ पे वेव के बारे में बात कर रहे हैं। तो वेव मोशन में होता क्या है, वेव मोशन में जो है एनर्जी डिस्टरबेंस ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, जहां पे मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह बल्क में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सिर्फ एनर्जी या डिस्टरबेंस ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, इंफॉर्मेशन। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स होते हैं अलग अलग तरीके से, मीडियम की डेंसिटी है कि नहीं उसके बेसिस पे इलास्टिक या मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक वेव कह लेते हैं, प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे प्रोग्रेसिव स्टेशनरी कह लेते हैं, डायमेंशन के बेसिस पे 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन कहते हैं। जैसे वेव ऑन स्ट्रिंग इज 1 डायमेंशनल वेव विच इज प्रोग्रेसिव, यदि अपन ऐसे ऐसे कर रहे हैं रस्सी को ऊपर नीचे ऐसे कर रहे हैं, विच इज अ मैकेनिकल ऑल्सो, क्योंकि रस्सी की जरूरत है रस्सी के वेव के लिए। फिर वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, मतलब वेव कैसे चल रही है और पार्टिकल कैसे चल रहे हैं, यदि हम रस्सी को ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं और दूर कहीं बांध रखी है तो इट इज अ मैकेनिकल वेव विच इज ऑफ प्रोग्रेसिव नेचर विच इज 1 डायमेंशनल एंड ट्रांसवर्स। तो इन सब के चित्र और एक्सप्लेनेशन आपको नीचे अगले 2-3 पेज में मिल जाएगा। देखिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऐसी है और पार्टिकल डिस्टर्बेंस प्रॉपर्टी टू द ट्रांसवर्स अलोंग है तो लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, और ऐसा ही यहां पे भी चल रहा है। ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगी जहां पे पार्टिकल भी ऐसे चल रहे हैं और डिस्टरबेंस भी चल रहा है। इसका एग्जाम्पल साउंड होगा जो यहाँ पे बता रखा है, जो वैसे भी नेक्स्ट पार्ट चैप्टर हमारा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो थ्योरी इस तरह से दे रखी है, फिर मैकेनिकल की दे रखी है क्या होती है, फिर ये भी एग्जाम्पल फिर से दे रखे हैं कि यदि रॉड को ऐसे ऐसे टक टक कर रहे हैं तो ऐसा ऑसिलेशन हो रहा है, ऐसे टक टक कर रहे हैं रॉड को तो कंप्रेशन वेरिफिकेशन हो रहा है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। मतलब ये जैसे है ऐसे ऐसे किया तो लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे ऐसे मारा तो इसमें ट्रांसवर्स। फिर ये कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह दे रखी है, अब ये वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चलती है वेव की इक्वेशन, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स या के एक्स माइनस ओमेगा टी, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहां पे वेव नंबर बता रखा है, नेगेटिव डायरेक्शन में चलने वाली वेव के लिए इक्वेशन में प्लस आ जाएगा, वो आगे दे रखा होगा। फिर वेव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेव वेलोसिटी आ जाएगी पार्शियल डेरिवेटिव्स की, क्योंकि एक्स का भी फंक्शन है। पार्टिकल की वेलोसिटी निकल गई, वेव वेलोसिटी निकालनी है तो वो इसके अंदर ही होती है सी करके, तो वो ऊपर बता रखी इन्होंने फेज वेलोसिटी, राइट। फिर एक्सेलरेशन निकालने का तरीका बता रखा है और ये सारे आपके फंक्शन हो गए, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी तो अलग होगा, ये जनरल इक्वेशन है, जनरल फॉर्म में एक्स प्लस माइनस बी टी होना चाहिए, ठीक है। तो स्पीड ऑफ वेव को अपन इन दोनों के कोफिशियंट को डिवाइड करके निकाल सकते हैं, टी के कोफिशियंट और एक्स के कोफिशियंट डिवाइड करके स्पीड ऑफ वेव आ जाएगी, ये यहां पे बता रखा है। फिर ये ग्राफ दिखा रखा है अपन को एक्स के साथ, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल कैसे दिख रहे होंगे, ये वापस से हुई वेव की इक्वेशन आ गई। ये देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में चलने वाली वेव की इक्वेशन ये रही और नेगेटिव डायरेक्शन में चलने वाली वेव की इक्वेशन में बीच में प्लस का साइन आ गया। सो ये जेई मेन का एक एग्जांपल है, प्लीज ट्राई। तो आपने ट्राई कर लिया होगा, लेट्स डिस्कस दिस। तो यहां पे हमको अंदर का एक वेव की इक्वेशन दे रखी है और सिंपली ये बोल रखा है कि भाई इसकी डायरेक्शन और स्पीड बता दीजिए, तो वो तो अपन एक के टाइम के कोफिशिएंट से इसका कोफिशिएंट डिवाइड कर दिया तो 25, और नेगेटिव डायरेक्शन में है इसी, वो दिख ही रहा है अपन को क्योंकि बीच में प्लस का, मतलब दोनों का साइन सेम है, एक्स और टी का साइन सेम, तो वेव चलेगी नेगेटिव में, एक्स और टी का साइन अपोजिट कोफिशिएंट्स का तो वेव चलेगी पॉजिटिव में, तो उसके बेसिस पर डायरेक्शन पता करती है। नेक्स्ट,
फ्रीक्वेंसी दे रखी है, स्पीड दे रखी है, पॉजिटिव चल रही है दे रखी है, ईच पॉइंट मूव्स टू एंड फ्रो, टोटल डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, टोटल डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगी, देखिए एम्पलीट्यूड टोटल डिस्टेंस 6 मूव कर रहा ऊपर नीचे तो आधा हो गया 3 सेंटीमीटर, फिर सॉल्व किया तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 2 पाई f से, तो इक्वेशन में अपन ने पुट कर दिया तो 0.3 और 1. ओमेगा की वैल्यू यह आंसर आ जाएगा 0.3 के साथ। फोर्थ वन, चलिए जो वेलोसिटी है ये स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करती है, तो वो रूट पी बाय म्यू टेंशन डिवाइडेड बाय मास मोमेंट लेंथ। उस मास मोमेंट लेंथ को अपन उसके रेडियस से भी रिलेट कर सकते हैं, कि रेडियस और डेंसिटी और एरिया से भी रिलेट कर सकते हैं, ये यहां पे करके दिखा रखा है। ठीक है, ये एक सवाल है बड़ा सिंपल सा, ट्राई करिए, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। तो एक वेव ट्रैवल कर रही है, लीनियर डेंसिटी इतनी है, ये इक्वेशन है, डिस्टेंस टाइम एसआई में, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछे कितनी होगी, तो ये ओमेगा बाय के करके अपन ने वेलोसिटी निकाल ली 50 इक्वेशन के बेसिस पे, राइट, ये दे रखी है अपन को, तो इससे वेव वेलोसिटी आ गई, उसको रूट टी बाय एमयू से मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर दिया, सॉल्व कर दिया, टेंशन आ गई, बाकी डेटा देंगे रखा था सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपने ट्राई कर लिया होगा, लेट्स सी। तो ट्रांसवर्स वेव है, टॉट स्टील वायर पे चल रही है वेलोसिटी v से, व्हेन टेंशन इन इट इज दिस, टेंशन इज चेंज टू t, दैट वेलोसिटी चेंजेस टू दिस। तो बेसिकली टेंशन चेंज करने से वेलोसिटी में इतना चेंज हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि यदि वेलोसिटी आधी करिए तो टेंशन कितनी हो जाएगी, रूट टी बाय म्यू से आप देख सकते थे, तो रूट से करेक्ट करके दिखाती है, तो ये आंसर आ गया। अब इंटेंसिटी ऑफ वेव वगैरह थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल, कॉम्प्लेक्स आइडियाज है, ओके, तो इसको एक बार देख लीजिए आप, ये फॉर्मूला दे रखा है इंटेंसिटी का, इसको रिलेट करके दिखा रखा है पावर से, यदि हर डायरेक्शन में चल रही है तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या है, एक से ज्यादा वेव्स होंगी तो उन सबका समेशन होके जुड़ जाएगा, तो वो यहाँ पे आइडिया दे रखा है। इसी को इंटरफेरेंस भी कहते थे, दो वेव जुड़ रही होती है तो उनके फेज डिफरेंस के बेसिस पे ये आपको ज्यादा दिखेगा वेव ऑप्टिक्स में, इंटरफेरेंस में। फिर फेज डिफरेंस की बात कर रहे हैं, वो निकाल दिया, उसके बेसिस पे कितना आएगा, ये सब इंटरफेरेंस की ही फॉर्मूले, ये वेव ऑप्टिक्स में आप फिर देख सकते हैं। ये रिफ्लेक्शन का आइडिया देखकर रिफ्लेक्ट होकर आती है वेव, तो क्या चेंज आता है, तो भाई पाई का फेस भी ऐड हो गया और केएक्स भी, डिपेंडिंग ऑन उस तरफ वाले मीडियम का स्पीड कम था कि ज्यादा था। फ्री एंड से होगा तो पाई ऐड नहीं होगा, ये बता रखा है, रिजिड एंड से ऐड हो जाएगा, लेकिन प्लस तो साइन होगा ही होगा क्योंकि वेव की डायरेक्शन प्रोपगेशन की उल्टी हो गई है। दो अलग अलग डायरेक्शन की उल्टी पुल्टी डायरेक्शन की वेव यदि जुड़ेंगी तो जुड़ के हमको जो चीज मिलती है, दैट इज अ स्टैंडिंग वेव, वो यहां पे हमको बता रखा, ये उसके कैलकुलेशंस वगैरह कर रखी है। इसमें देखिए जो सबसे काम की चीज है ये है स्टेशनरी वेव की ये वाला फंडा, कि फर्स्ट हार्मोनिक किसे कहते हैं, जब एक लूप बन रहा हो, मतलब कि हाफ वेवलेंथ के बराबर लेंथ हो, ये देखिए मतलब हाफ वेवलेंथ के बराबर लेंथ हो, सेकेंड हार्मोनिक थर्ड हार्मोनिक ये पता होना चाहिए अपन को। इसको फर्स्ट, इसको फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन सेकेंड ओवरटोन भी कह देते हैं, परंतु जनरली एडवांस में उस पर ज्यादा बात होती है। फिर ये सेटअप बता रखे हैं कुछ, ये फिगर के साथ आप देख सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं। अगेन दीज आर थोड़ी ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें दे रखी है, सबसे ज्यादा काम की चीज बेसिकली ये वाला फॉर्मूला था जो यहाँ पे चल रहा है, ये वाली चीज एल इज इक्वल टू लैम्डा बाय टू और लैम्डा का एल वाला रिलेशनशिप जो यहां पर चल रहा है, ये सबसे ज्यादा काम की चीज है। ये जो बोल तीन लॉ दे रखे ना, ये सबसे ज्यादा काम आने वाले, ये दे रखा है इधर। सोनोमीटर, ये सोनोमीटर का वही फॉर्मूला जो अपन ऊपर बात किए थे, वो इधर निकाल के दे दिया। तो स्टेशनरी वेव प्रोग्रेसिव वेव का कंपैरिजन है। चलिए सवाल पे आते हैं अपन, बड़ा इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला आता है। तो आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स हैं, सेम मटेरियल हो गया तो म्यू सेम हो गया, टेंशन अलग अलग है उनमें, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको लगाना है, बेसिकली 1/12 √T/μ।
आइडेंटिकल है तो म्यू सेम हो गया, लेंथ सेम करके इन्होंने ऑलराइट टेंशन की वैल्यू अलग अलग निकाल दी, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां पे दो वेव्स है जो मिलके स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस कर रही है, स्टैंडिंग वेव इक्वेशन दे रखी है। तो पूछा द नोड क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन इन द रीजन एक्स ग्रेटर देन जीरो। नोड क्या होगा, जहां पे हमेशा कोई भी हम वैल्यू डाले टाइम की वहां पे जीरो है, मतलब कि ये कॉस की वैल्यू सबसे छोटे एक्स के लिए हमेशा के लिए जीरो हो जाए। सॉल्व कर दिया आपने, सबसे छोटा वैल्यू पाई बाय टू हो जाएगा, पाई बाय टू पुट किया एंड हियर यू गॉट द आंसर। नेक्स्ट, तो आपने ट्राई कर लिया ये, तो एक वायर है जिसकी लेंथ दे रखी है, रिजिड सपोर्ट एज इट्स nth एंड n प्लस 1 हार्मोनिक्स एट 400 450 nth एंड n प्लस 1th, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेंशन दे रखी है, लीनियर मास डेंसिटी पूछी। तो देखिए ये n है और n प्लस 1 है, फॉर्मूले अपन ने दोनों के लगाया, सॉल्व कर दिया, तो आपका टेंशन का वैल्यू आ गया, देख सकते हैं आप। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव डन। नेक्स्ट, दो वेव दे रखी है, सॉल्व करें। तो यहां पे क्या हो रहा है, द इक्वेशन ऑफ टू वेव्स आर गिवन बाय दिस एंड दिस, दीज वेव्स आर साइमल्टेनियसली पासिंग थ्रू अ स्ट्रिंग, द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव वुड बी, ये इसमें पूछा गया। ठीक है, तो यहां पे अपन को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के जोड़ देना और वैल्यूज पुट कर देनी। ठीक है, तो जोड़ा तो दोनों के एम्पलीट्यूड जुड़ के जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू थी डेल्टा थीटा इसमें दे रखा है अपन को, कितना फेज डिफरेंस वो पुट कर दिया अपन ने, तो वो 3 पाई है, तो यहां पे पुट किया, सो 2 सेंटीमीटर a1 माइनस a2 करके हमारा आंसर आ गया। तो वेव में ये का थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, आपने इंटरफेरेंस पढ़ रखा तो सीधे सीधे उससे सवाल सॉल्व हो जाता है, क्योंकि ये फेज डिफरेंस यहां पे दे रखा था, क्योंकि बाकी सारे डेटा सेम था, तो फेज डिफरेंस इजीली दोनों के लिए निकल जाता है। So that's it on wave, ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर के अंदर, वेटेज भी ज्यादा नहीं है, और दो फॉर्मूले जो थे, एक तो स्टैंडिंग वेव का और वेव इक्वेशन का और रूट टी बाय म्यू वेव वेलोसिटी का, तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि इन तीन चार चीजें भी आपको आती है, तो बाकी की चीजें भी आप नहीं भी करके जाएंगे तो भी 90% प्रोबेबिलिटी है कि आप वेव का सवाल निकाल लेंगे। थैंक यू वेरी मच।